तीसरा, समझे आप लोग? बस इसने किया ना मस्ती, हाँ किया ना, मम्मी तो कह रही थी। बेटा जीते रहो बेटे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये बस विश्वा था जी, खबर सुनकर हम सब बहुत डर गए थे। हाँ श्वेता, करण कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ। So good to see you. आपने तो डरा ही दिया था। कैसी चल रही है तुम्हारी इलेक्शन की तैयारी? Fantastic. इस बार माँ इतने सारे वोटों से जीतेगी, she'll create history, है ना माँ? I'm sure. आप कैसे? मैं ठीक हूँ। Please stay away from these bombs, all right? करण बेटा, अब कुणाल आ गया है। इलेक्शन कैंपेनिंग में कुणाल भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी शक्ति और कुणाल का धीरज मिलकर हवा का रुख बदल देंगे। हवा का रुख ऑलरेडी बदल चुका है चिंतन अंकल। और वैसे भी इस इलेक्शन कैंपेन में मुझे किसी की मदद की जरूरत है, न भैया की न किसी और की। और मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग जबरदस्ती भैया को पॉलिटिक्स में क्यों धकेलना चाहते? He is not interested. चिंतन अंकल, पॉलिटिक्स में दिमाग की जरूरत होती है, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की नहीं। और जहां तक धीरज का सवाल है, पॉलिटिक्स में धीरज की कोई जगह नहीं। No place for patience. अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये सब छोड़ के कंप्यूटर की दुकान खोल लीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं भैया, वैसे भी एक बार पॉलिटिक्स में जाके परेशान हो चुके हैं, मात खा चुके हैं, और भाई मुझे मात खाने की ना आदत है ना शौक, और इस वक्त भैया को आराम की जरूरत है। सो प्लीज क्विट बॉदरिंग हिम, ओके? कहिए कृष्णमूर्ति जी, हमारे बैंगलोर जाने के बाद सब कुछ ठीक रहा? जी सब ठीक ही था, सिवाय। क्या हुआ? मैम वो सीएम साहब के असैसिनेशन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है उसमें? मैं बताने ही वाला था, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि आप हमें बताने में हिचकिचा रहे हैं? मैम इस रिपोर्ट के हिसाब से सीएम साहब के असैसिनेशन के लिए क्या क्या मूर्ति साहब बोलिए ना, आपको जिम्मेदार ठहराया गया। सीएम साहब के असैसिनेशन के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया गया। आपको जिम्मेदार ठहराया गया। आपको जिम्मेदार ठहराया गया। आपको जिम्मेदार ठहराया गया।